मॉर्निंग स्ट्रेंथ माई सेल्फ डॉली मैथ टीचर ऑफ डेफोर्ड इन पब्लिक स्कूल क्लास फोर चैप्टर सेवन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये जो चैप्टर सेवन है इसमें एक्सरसाइज 14 से आप लोग का स्टार्ट होता है। तो एक्सरसाइज 14 हम लोग पहले पार्ट में हम लोग पढ़ा था, अब इसमें हम लोग 15 और 16 के बारे में पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट अगले क्लास में। तो एक्सरसाइज 15 में आपका क्या है, यूज रिपीटेड एडिशन टू फाइंड द फ्लोइंग। जो आपको क्वेश्चन है 3 to 1/4 यानी कि उसको मल्टीप्लीकेशन जो यहाँ पर 3 to 1/4 जो गिवन है उसको आप लोग लिखना है आपको रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर 3 to 1/4 यानी 1/4 कितने टाइम्स, 3 times। तो 1/4 + 1/4 + 1/4 इसे ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो एक एक दोनों लेके हम समझा रहे हैं कि एक जैसे समझ लीजिए और बाकी जो भी लेफ्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 6 × 3/5 इसका मतलब क्या कि 3/5 आपका 6 times आपको लिखना है रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में यानी कि 3/5 को आप 6 times लिख दीजिए। 3/5 + 3/5 + 3/5 यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है आपका इंडिकेट द स्टैंडर्ड फ्रैक्शन एंड सेट द पार्ट ऑफ द इंडिकेटेड मल्टीप्लिकेशन। आपको फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 3 है 1, 2, 3 थ्री पार्ट है जिसमें 1 part सबका क्या है सेडेड है। तो इसको कैसे राइट करेंगे 1/3 और ये आपका इंडिकेट किया हुआ। अब इसमें दिया हुआ है 2 × 1/3 यानी 1/3 आपको कितने बार 2 times। तो 1/3 यानी कि 1 part इसका कलर करेंगे हम लोग सेट करेंगे और फिर इसका 1/1 part आप सेट करेंगे। तो 1, 2, 2 × 1/3 इसी टाइप से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है। यहाँ देखिए हाउ मेनी पार्ट्स 1, 2, 3, 4 और सेडेड पार्ट्स 1 यानी कि 1/4। आपको इसमें क्या करना है कि 3 circles है इसमें और 1/4 1/4 तीनों में आपको सेड करना है। कलर कर दीजिए सेडेड बस इसी टाइप से। और भी अगर रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में तो बना लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 फिल द ब्लैंक्स विद प्रॉपर एंड इनप्रॉपर फ्रैक्शन रिड्यूस इट टू द लोवेस्ट टर्म। आपको इनप्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन में फिल द ब्लैंक्स करना है और अगर लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस हो रहा है तो वो भी करना है। जैसे यहाँ 2 × 1 2 × 1/5 क्या हो गया 2/5। अब क्या ये रिड्यूस टर्म में लोवेस्ट टर्म रिड्यूस होगा, नहीं क्योंकि यही तो एक लोवेस्ट टर्म है इसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो लोवेस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस होगा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में 8 × 4 = 32 तो वहाँ क्या बचा 1 × 5 / 4 यानी कि 5/4 इस हिसाब से बनेंगे। यहाँ भी देखिए 4 × 6 = 24 तो ऊपर में 6 × 7 और नीचे 1 × 1 यानी कि 7 × 6 = 42/1। लास्ट क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई, इसमें आपको मल्टीप्लाई जैसे 3 × 1/2 तो कैसे करेंगे हम लोग 3 × 2 = 2 + 1 = 3/2। अब इसको इसके नीचे पूछने इसका मतलब ये 1 है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई यानी 3 × 3 = 9 और 1 × 2 = 2। इसी तरीके से बी वाले भी बनाएंगे हम लोग, पहले तो 5 × 2 × 2 = 4 + 1 = 5 / 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 राइट कर सकते हो नहीं भी राइट कर सकते हो आपकी मर्जी। 5 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई 5 × 5 = 25 और 1 × 2 = 2। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 15 कंप्लीट होता है। जो भी क्वेश्चन आप लोग बना लो और नेक्स्ट एक्सरसाइज 16 इसमें आपका सेट द फ्रैक्शन एज इंडिकेटेड। आपको फ्रैक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर उसको सेट करना है जो बताया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए 1/3 of 9 इसका मतलब हो गया 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 9 तो इसको कट कीजिएगा तो कितने बार कट होगा 3 यानी कि ये 9 box है 9 box में से आपको 3 box को कलर से ऐड कर देना है। 3 box अब सेट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चन है
8 by 12, पहले देखिए कट रहा है, काटिए, जैसे 8
कट रहा है, काटिए, 4 के टेबल से 4 टू जा 8, 4 7 जा 28, अब नहीं कटेगा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, 65 इंटू 7 बाई 2, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब ही यहाँ भी वही चीज है, 5/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखिए 5/6 यानी कि 3 के टेबल से ये कटेगा, 3 जा 9 और 3/5 जा 15, यहाँ 3 से, अब किसी से कोई कनेक्शन नहीं, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 × 35 डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 5/5 जा 25, 2, 5/3 जा 15 और 2, 75/3। उसी तरीके से ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सॉल्व कीजिए, 5/3 जा 15 और 1, 16/5, 4/4 जा 16, यानी ऊपर में क्या बच गया आपका 3 × 4 और नीचे में 5, 4/3 जा 12/5। तो बाकी सब क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, आधा क्वेश्चन जो है आप इसी पर सॉल्व कर लीजिए, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, अभी चैप्टर 7 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है।